हाँ, पार्ट आठ देखते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम जानते हैं किसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो सर्वनाम का क्या अर्थ होता है कि संज्ञा, सर्वनाम कहते हैं। बहुत अच्छा। जैसे मैं, हम, तुम, कौन, क्या, वे, उन्हें, ये आदि ना संज्ञा। हाँ, तो देखिये संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबके लिए नाम, ना सबके लिए। जैसे मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को अल्बानिया में एक व्यापारिक व्यवसायी परिवार में हुआ था। अब वे तीन बहनें थीं, अब यहाँ फिर उनका नाम लिया जाता तो अच्छा नहीं लगता, तो उनका नाम न लिखकर क्या लिख दिया गया है? वे तीन बहनें थी, तो वे क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, जिसमें वे सबसे छोटी थी। अब जिसमें वे की जगह पर फिर लिखता, फिर उनका नाम लिखता तो अटपटा लगता, देखने सुन अच्छा नहीं लगता, तो वे सबसे छोटी थी। उनके बचपन का नाम एग्नेस था, उनके, ठीक है, पिता के देहावसान के पश्चात उनके जीवन में आर्थिक विपन्नता आ गई। उनकी माँ परोपकारिणी थी, ये भी अपनी माँ को पद चिन्हों पर चल पड़ी और किशोरावस्था में ही सामाजिक कार्यों के लिए बनी युवाओं की सोसाइटी में सक्रिय सदस्य बन गई। ठीक है, तो इसमें जो जहाँ वे, इनका, उनकी, ये सब प्रयोग हुआ है, ये सर्वनाम का शब्द है, क्योंकि वाक्य सही लगे तो बार बार नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए नाम के जगह पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? छह, है ना, सर्वनाम के छह भेद। सबसे पहले क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? ध्यान दीजिए, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्तिगत संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्तिगत संज्ञा के ना स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले एवं जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसके लिए अगर प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, इसके तीन भेद होते हैं ना, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं। मैं क्या? उत्तम, अपने लिए जब प्रयोग हो, मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब अन्य, है ना। मैं उत्तम पुरुष और तू मध्यम पुरुष और बाकी क्या है? अन्य पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रयोग मुख्य रूप से वक्ता के लिए, जो कहने वाला, वक्ता माने बोल, कहने वाला मैं, श्रोता के लिए सुनने वाला व्यक्ति तू, है ना, और वे बाकी अन्य के लिए प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला वक्ता है स्वयं अपने लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा। मैं, हम, मेरा, हमारा। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है वो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा, तुम, आप, आपका। अन्य पुरुष क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वह अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, इन्होंने, ना, ऐसे समझ में पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके तीन भेद है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद लिखिए, तो लिखेंगे इनके तीन भेद हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। एक एक उदाहरण भी दे दीजिएगा, ठीक है, अगर प्रश्न आ गया तो। तीनों का एक उदाहरण, जैसे प्रथम उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष का उदाहरण क्या है? मैं दे सकते हैं, मैं या हम। मध्यम पुरुष का उदाहरण तुम या तुम्हारा। अन्य पुरुष का उदाहरण वे, वह, यह। अगर आया क्वेश्चन में तो लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निज माने क्या होता है? अपने के लिए, स्वयं के लिए, ना, निज माने अपना होता है। निजवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है, है ना, अपना नाम तो नहीं लेंगे। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से अपनेपन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं खुद अपना कार्य करूंगा, यहाँ मैं स्वयं के लिए, मैं खुद अपना, ना, अपना क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो अपना प्रयोग अपने नाम की जगह पर किया गया है, ना, मैं अपना, मैं खुद, अपना नाम तो नहीं लेंगे, तो अपने नाम की जगह पर क्या है? निजवाचक सर्वनाम, अपने का प्रयोग हुआ है।
तुम स्वयं लखनऊ जाओ, तुम स्वयं लखनऊ जाओ, न तो तुम, अब इसके बाद स्वयं लखनऊ जाओ का प्रयोग हुआ है। स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगला क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्तिगत संज्ञा या निश्चय पूर्वक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मेरा घर है, यह निश्चित है, यह निश्चित है, जहाँ यह मेरा घर है ना, तो यह निश्चित है। तो यह सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। यह शील्ड और पदक दोनों मेरे हैं, यह सामने है तो निश्चित हो गया कि यही है ना, तो इसके लिए सर्वनाम का प्रयोग हुआ है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्या है? अनिश्चय, जो निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ काला है, कुछ शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक है, जिसमें क्या है कि कुछ क्या है? अनिश्चय शब्द है, तो इससे यह बोध हो रहा है कि निश्चित नहीं है कि क्या है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। मुझे कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई है, कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। पहला क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी, जिसकी, उसकी भैंस। यहाँ एक सर्वनाम शब्द का संबंध बता रहा है, जैसा देश वैसा भेष, है ना। इस एक जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं। दूसरे सर्वनाम शब्द जैसी वैसी, ना जैसा वैसा, जिसकी उसकी, ये संबंध बता रहा है। यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम छठा है, इसको तो आप लोग जानते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, ना तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला है सर्वनाम के इस, ये सब छह भेद बताए गए हैं ना, प्रत्येक को पहचानने के लिए जो शब्द चिन्ह बताए गए हैं उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, जिससे आपको सही जानकारी हो जाएगी। जिससे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द चिन्ह क्या है? मैं, तुम, वे, वो, हम। निजवाचक सर्वनाम का शब्द चिन्ह क्या है? खुद, स्वयं, अपने, अपना, ना अपने लिए। निश्चयवाचक क्या है? यह, वह, एकदम निश्चित है। अनिश्चयवाचक, हाँ, अनिश्चयवाचक क्या है? कुछ, कोई, निश्चित नहीं है, कुछ है, थोड़ा सा, ठीक, बहुत अच्छा। असंबंधवाचक का चिन्ह क्या है? जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, ठीक है, ठीक। प्रश्नवाचक सर्वनाम का चिन्ह क्या है? कौन, क्या, आगे समझ में क्लियर हुआ बेटा? ऐसे समझ में। अब जैसे कौन आ रहा है, तो कौन आ रहा है, अगर कोई व्यक्ति होगा, राम आ रहा होगा ना, राम आ रहा होगा, तो क्लियर है कि राम आ रहा है, तो राम क्या है? संज्ञा हो गया। लेकिन राम के जगह पर अगर कहा जाए कौन आ रहा है, तो क्या हो गया? संज्ञा के जगह पर कौन शब्द प्रयोग हुआ है? कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। तो जित छह सर्वनाम संज्ञा के जगह पर जब प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया? इसमें आपको जानना है सर्वनाम की परिभाषा, अच्छे से जान लेंगे। सर्वनाम के कितने भेद हैं? छह भेद को जान लेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? इसको जानना है, इसको याद कर लेंगे। और सर्व